करा। असीं इस वक्त गाजीपुर बार्डर दे विच छोटे छोटे बच्चे आए हैं, किसान एकता जिंदाबाद के नारे ला के। बेशक आप इन्हां नूं पुछदे हां भी की इन्हां दा पिछोकड़ खेतीबाड़ी नाल है जां कोई है। बच्चे कित्थों आए हो? असीं जी उत्तराखंड तो आए हैं, काशीपुर छीना फार्म तो। जी अज किन्ने किहदे किहदे नाल आए हो तुसीं? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਛੀਨਾ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੋ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। छोटे छोटे बच्चे ने जी, बेशक बोलना नहीं आता, उन्होंने पेरेंट्स भी साढ़े नाल ने। तुसी नाल हो जी? किन्ने बच्चे हो नाल लेके? तुहाडे रिश्तेदार सारे? असी पूरी फैमिली साड़ी पूरी नाल आई ने, साड़ियां सिस्टर्स साड़ियां जिन्नियां दरानियां जठानियां पूरी फैमिली असी नाल आए हैं बच्चों दिखाने लिए कि जो प्रोटेस्ट है दिखाना बहुत जरूरी है कि इतिहास बच्चों ने कायम किया है, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, जवानों ने एक पूरा इतिहास कायम किया है। इन्होंने दिखाना चाहिए आ ताकि इन्हों भी समझ आए कि जी जमीन असं जुड़े हुए हैं, साढ़े कि धक्का कर रही है सरकार जी। इन्होंने अगे इतिहास भी लिखना, तो सो तुम लैके आए हो नाल कर रहे हो जी। तुम की कहोगे जी? भैन जी किन्ने बच्चे कितों आए हो? काशीपुर उत्तराखंड तो जी। उत्ते प्रॉपर काशीपुर ही रहते हो या पिंड है कोई? नाल नहीं सी, प्रॉपर काशीपुर जी। हाँ जी, तुम कितों आए जी? काशीपुर उत्तराखंड तो जी। किन्ने परिवार लेके आए? असी वेखो जी, साडा सारा परिवार आया होया है, साडे मतलब कि अपने चाचे ताया भूआ फुफड़ भाजी जीजे साडे सारे वीर भरा सारे आए ने, भुआ जी के बेटे ने, सारा परिवार अपना कट्ठा करके अं लैके आए हैं इस बॉडर से। सिर्फ एक इन्हों बच्चों ये दिखाने वास्ते वेखो भी साढ़े किसानों वाई किस किस लड़ाई लड़ना पैंता है, क्योंकि यह सरकार सा बहुत धक्का कर रही है, ये तो आप जी को पता ही है सारी गल का। बिल्कुल। क्लास चो आए बेटा? तुम कि क्लास पढ़ते हो दसो? सारे जने सारे की इंट्रोडक्शन कराओ जी। मैं उत्तराखंड स्कूल सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल च पढ़ता, मैं इस वक्त छेवीं क्लास में हाँ जी। क्योंकि समर्थन में आए हैं, हम तो ये चाहे हैं कि कानून वापिस ले, और हमारा धरना चल रहा है 38 दिन हो गए। एक आदमी ने आज आत्महत्या कर ली, यहाँ जो है फांसी लगा ली, और ये इतना कानून ये वापिस नहीं होंगे, इतना से हम जाएंगे नहीं। सो जिनी देर कानून वापस नहीं होंगे उन्नी देर नहीं जाएंगे। बच्चे भी जोड़े शामिल हो चुके हैं, सो तू होर भी गाजीपुर तो असी ये तस्वीर दिखाते रहेंगे। प्लीज़ वो शेयर कर दौ। सो रेडियो पंजाब टुडे हमेशा किसानी संघर्ष के उत्ते निगाह बनाए रखे हुआ है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।